आज के सफर का सबसे घटिया मार्ग यही है। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम अजमेर में रुके, जिस धर्मशाला में रुके उनका नाम है राम धर्मशाला अजमेर में। और अभी हम जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे अन्ना सागर झील, उसके बाद महाराणा प्रताप स्मारक और उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा। तो चलिए अभी बाइक पैकिंग करते हैं, बैग वगैरह तैयार कर लिए, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। ये है अन्ना सागर झील, बहुत ही खूबसूरत झील है। में महाराणा प्रताप स्मारक बनी हुई थी, यहाँ पर आए, बहुत ही खूबसूरत है। जब भी हम जा रहे हैं ब्यावर साइड में, 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं गए क्योंकि वहाँ पर दरगाह थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तब तो वापस आ गया था 20 में से। तो अभी हम ब्यावर की तरफ रवाना हो गए हैं। तो गाइस अभी हम खड़े हैं यहाँ पर 10 प्लस हाईवे 8 पर, जो कि दिल्ली से मुंबई के बीच में चलता है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 1428 किलोमीटर है, जो कि जयपुर अजमेर से होकर जाता है। और अभी हम ब्यावर जा रहे हैं, ब्यावर यहाँ से है 28 किलोमीटर, तो चलते हैं आगे। और कल की रात को हम रुके थे ब्यावर में, और अभी हम जा रहे हैं राजसमंद साइड, तो इसमें राय देवगढ़ नाम का जगह आएगी, तो वहाँ पर हम रात रुकेंगे आज। तो वो यहाँ से 90 किलोमीटर, तो आज हमको 90 किलोमीटर निकालना है, कल निकाला था हमने 60 किलोमीटर, तो अभी चलते हैं आगे। हम रास्ते में जा रहे थे ब्यावर से देवगढ़ की तरफ, तो एक भाई जी मिले थे, तो उन्होंने हमको ये एक सिक्का दिया, इसमें श्री लक्ष्मी जी का फ़ोटो है और गणेश जी का फ़ोटो है, आपको दिखाता हूँ। ये सिक्का है जो वो भाई ने मुझे दिया था, कि बोला कि आपके पास रखो, काम आएगा आगे, तो मैं रख लिया हूँ, कई बार फेंक भी नहीं सकते क्योंकि लक्ष्मी जी और गणेश जी का फ़ोटो है, तो अपने पास रखते हैं आगे। तो अपने पास रखते हैं, क्या बाहर नहीं फेंक सकते, हनुमान जी अपने साथ है, कुछ भी होने नहीं देंगे, रखते हैं अपने पास। चलिए अभी चलते हैं आगे। हाईवे अभी आ गया है, से थोड़ा आगे आया था, तो यहाँ पर हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत भगवा कलर किया हुआ है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है, और दर्शन करते हैं सुबह सुबह हनुमान जी के। चारों तरफ दीवारों पर राम राम लिखा हुआ है, जय श्री राम। तो जाते हैं अभी अंदर। ये जय श्री राम कष्टभंजन जी विराजमान है, हनुमान जी महाराज विराजमान है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। आ गया हाईवे, पाली जोधपुर जाने वाले को लेफ्ट लेना होगा, और हमको जाना है उदयपुर, तो हम सीधे जाएंगे यहाँ से हाईवे पे, एंटर करते हैं अभी। कॉफ़ी लिया है, बिस्किट बड़ा वाला पैकेट, और दूध लिया है, यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, फिर चलते हैं। तो अभी हम रास्ते में जा रहे थे, तो यहाँ पर भाई जी मिले, बातें वगैरह की। कहाँ से हो भैया आप? तारागढ़ में। अभी आए आगे, कौन सा गांव आएगा? आगे आगे आएगा, पहले आएगा। अच्छा, तो भाई जी मिले, बात की, बहुत अच्छा लगा। आज हमारा अजमेर ज़िला समाप्त हुआ, जो कि 8वां ज़िला समाप्त हो गया, और 9वें ज़िले में एंटर किए हैं, महाराणा प्रताप की वीर भूमि में एंटर कर रहे हैं। ज़िला राजसमंद में आपका स्वागत है। तो अभी पहाड़ी इलाका शुरू हो गया, तो चलते हैं आगे। आज के सफ़र का सबसे घटिया मार्ग यही है, ये देखो, यहाँ पर हाईवे बन रहा है, तो यहाँ से छोड़ दिया है, यहाँ पर ये पूरा मतलब ऐसे रखा है, यहाँ पर हाईवे चल रहा है, और वापस सामने देखो तो सामने ऐसा खुला छोड़ दिया है। मतलब 50-60 किलोमीटर तक मैं आया हूँ, 8-9 घंटे लग गए, और अभी भी बाकी है 30 किलोमीटर, तो चलते हैं आगे धीरे धीरे। अभी आए खाना खाने यहाँ पर, ये 8 रुपये थाली जो इंद्र रसोई योजना की तरफ से, तो अभी खा रहे खाना है। ये हमारा तीसरा दिन है, तो हम रात को तो देवगढ़ राजसमंद ज़िले में रुके हुए थे, और अभी हम जा रहे हैं राजसमंद ज़िले में,
जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर, तो अभी चलते हैं आगे। कल क्या मतलब 90 किलोमीटर तक पूरा रास्ता ख़राब था, तो हालत ख़राब हो गई थी, तो अभी आमेट में जाके दवाई वगैरह खरीदेंगे और अभी फिर मिलते हैं आपको रात को राजसमंद में। ओ भाई, यहाँ पर आंवला का पेड़ आया था, ये देख सकते हो कितने आंवला लगे हुए हैं यहाँ, जैसे कि बेर लगे हुए ऐसे ही बहुत सारे, तो हम थोड़े खाएंगे यहाँ पर। चीज़ की हमको ज़रूरत होती है वो तो हमारे यहाँ मिलती नहीं। यहाँ देखो एलोवेरा यहाँ ऐसे ही खड़ा है, देखो बहुत सारी जगह है, पहाड़ों पर है, कहीं पर एलोवेरा मिलते हैं तो कहीं पर आंवला मिलते हैं। जब भी हम एक रास्ते में मंदिर आया था पन्ना दाई जी का, जो कि महाराणा प्रताप के इतिहास से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मंदिर है पहाड़ों पर, ऊपर ये पहाड़ है पीछे और यहाँ पर मंदिर है पीछे की साइड में, तो अभी जाते हैं मंदिर के अंदर और उनका इतिहास वगैरह जो भी है पढ़ते हैं अंदर जाके। वीर पन्ना दाय का इतिहास के बारे में पनोरमा बनाया हुआ है, यहाँ पर सारा इतिहास लिखा हुआ है। के पुत्र संदन की हत्या करते हुए बनवीर जी यहाँ पर ये लेटे हुए पन्ना दाई जी। भाई जी, हम राजसमंद जिले से बाईपास ले लिया था क्यों अंदर सिटी में नहीं गए, और राजसमंद सिटी से हम आगे निकल गए नाथ द्वारा के लिए। मतलब टाइम था 2 घंटे का, तो सोचा कि चलो नाथ द्वारा जाके रुकते हैं, तो वहाँ पर 2 घंटे और टाइम बाकी था रात होने में, तो हम आ गए नाथ द्वारा में। यहाँ पर शिव जी की 370 फीट की सबसे ऊँची शिव प्रतिमा यहाँ पर बनाई हुई है, वो आपको कल दिखाऊंगा। तो अभी हम जाते हैं नाथ द्वारा में। भाई जी, ये शिव प्रतिमा 370 फीट ऊपर तक, ये आपको दिखाऊंगा कल वीडियो में।